Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड मस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो दोस्तों मेरी रोज़ाना की तरह यही होगी कि आप रोज़ाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो आज जैसा कि आपको मैं दिखाऊं अभी अपना 360 व्यू, तो ये देखिए 360 व्यू में अभी मैं हूं अपने यहाँ के पनौत के बड़े नाले के पास, और ये नाला जा रहा है मेरे गाँव के आखिरी हिस्से से होते हुए आगे, है ना। तो कुछ इस तरह से ये नाला जा रहा है, और आज प्लान है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं इस नाले को थोड़ी सर्च करते हुए कि आगे चीज़ें क्या कुछ देखने को मिलती है, जिन्हें कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आज एक छोटा सा रिवर साइड और गांव के आउट साइड में कर लेते हैं एक वॉकिंग टूर। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, और उम्मीद है कि आप ज़रूर ब्लॉग में बने रहेंगे। तो अभी चल रहे हैं हम गांव के आउटसाइड, और ये है बरसाती नाले वाली जगह जिसे कि हम लोग बोलते हैं रोखड़। तो इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे इस लैंड में काफी सारे फुटमार्क हैं, देख रहे हैं ना, ये सभी पैरों के निशान हैं वाइल्ड एनिमल्स के। जहां भी आप नजरें घुमाइए आपको वहीं पैरों के निशान दिखाई देंगे। तो आज एक छोटी सी ट्रैकिंग करेंगे हम अपने गांव के आउटसाइड में, और इस जगह पर जहां पर कि अभी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ में दो लड़के और भी हैं, तो ये चल रहे हैं अभी मेरे साथ, और हम लोग चल रहे हैं विलेज के आउटसाइड। तो थोड़ी इस जगह को भी आज एक्सप्लोर कर लेते हैं, है ना। कई दिनों से गांव के आउटसाइड नहीं आया हूं, तो आज मौका मिला है, क्यों ना इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए और आपको दिखाया जाए गांव का बाहरी क्षेत्र। और गांव के बाहरी क्षेत्र में जैसे ही हम आगे चल रहे हैं, तो ये देखिए इस जगह पर देखने को मिल गए एलिफेंट के फुटमार्क, देख रहे हैं, ये हाथी के पैरों के निशान है। यहाँ पे ही अचानक से आकर ये देखने को मिले हैं, सो नहीं भी तो इस जगह पे 4 या 5 फुट मार्क हैं। और सामने इस तरफ आगे की ओर देख रहे हैं ना, ये गया हाथी, ये हाथी गया सामने यहाँ पे गांव में। तो आजकल गांव में एलिफेंट आ रहा है दोस्तों। अब इसे मैं आपको किसी और एंगल से नहीं प्रूफ कर सकता, क्योंकि आपने देखा ही होगा मैं अभी चल रहा था जैसे कि सामने आगे की तरफ मुझे देखने को मिल गए एलिफेंट के पैरों के निशान। और दोस्तों ये सामने एक फूल का पेड़ है जो कि बेहद ही सुंदर, इस फूल का यूज़ करते हैं हम लोग। कुमाऊनी कल्चर के अकॉर्डिंग एक त्यौहार होता है जिसे कि हम फूल दे सम्मा दे, जितना देते हो उतना दें वाली बातें कुछ ऐसा कुछ होता है उसका, जो लफ्ज होते हैं बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं दोस्तों। सो अभी इस जगह पर मुझे ये मिल गया देखो एक पंख जो कि है बाज का, है ना। तो अभी चलते हैं थोड़ी फॉरेस्ट की तरफ, और ये देखिए सामने मुझे एक और पंख मिल गया है, ये दो पंख हो गए मेरे पास, देख रहे हैं इस जगह पर बाज के पंख मिल रहे हैं।
तो अभी चल रहा हूँ मैं कंटिन्यू आगे की तरफ और देख लूंगा फाइनली मैं कोसी रिवर की तरफ, है ना। तो अभी यह रास्ता जिस पर चल रहा हूँ, मतलब ये रास्ता कुछ भी नहीं है, जहाँ को मन जहाँ को पैर चलेंगे आपके आप चल सकते हैं। तो अभी जंगल के बीचों बीच से होते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। सामने ये दिखाई दे रही है हमारे यहाँ की कोसी रिवर, ठीक है, ये कोसी रिवर है। तो चलो अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं कोसी रिवर पे और चल रहे हैं आगे की तरफ। तो फिलहाल अभी जंगल से निकला कि मेरे लैस खुल गए हैं, तो पहले इन्हें बांध लेता हूँ और फिर करता हूँ इस ब्लॉग को कंटिन्यू। तो अभी मैंने अपने जूतों की लैस बांध ली है और चल रहा हूँ सामने आगे की तरफ। और ये पंख मिले हैं जिसमें कि मतलब उंगली को रफ करने में ये देखिए किस तरह की आवाज आ रही है, देख रहे हैं, इस तरह से रफ कर रहा हूँ तो आवाज बहुत प्यारी आ रही है। अभी शाम का समय ही है, कोसी रिवर पे आया हूँ। जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा मैं आपको टाइम अपडेट करता हूँ कि मैं किस टाइम पे कौन सी जगह पे हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दोस्तों, नहीं भी तो 4:10 है, तो आप चेक कर सकते हैं अच्छी खासी इस जगह पे धूप है ना। और अभी हम लोग हैं कोसी रिवर पर, ये लोग अभी पीछे पीछे आ रहे हैं बट इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही आपको दिखाऊं उस जगह पर कुछ लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए आए हुए हैं, मतलब जो कोसी नदी में बहकर ये कुछ इस तरह की वुड लकड़ियां आ जाती हैं तो इन्हें लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी है विंटर सीजन। विंटर सीजन में ठंड का लेवल अभी इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अभी हवाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी ठंड नहीं हो रही हो। तो आप चेक कर सकते हैं इस पेड़ से, अभी इस जगह पे हवाएं अच्छी खासी चल रही है दोस्तों, तो इसीलिए वो लोग आए हैं लकड़ी लेने। अब नहीं जा रहे हैं, ठंड बहुत हो जाती है। पक्का सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? सांप है यहाँ, देखा तूने कभी? चलो दोस्तों चलते हैं अभी इस रास्ते पर। आज छोटी सी ट्रैकिंग हम कर ही रहे हैं गांव के आउटसाइड, सो ये जगह भी बेहद खूबसूरत है और गांव का बाहरी हिस्सा है। तो आज कोसी रिवर पर गए थे और अभी आ चुके हैं वापस। ये रास्ता है गांव के ब्लेजर्स का जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं। और ये आ चुके हैं हम पनोद का छोटा नाला, और इसे पनोद का बड़ा नाला भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी नाले में दोनों नाले इस जगह पर आकर के एक हो जाते हैं। देख रहे हैं, ये आ रहा है पनोद का छोटा नाला और ये आ रहा है पनोद का बड़ा नाला,
और आगे को सामने ये मिल करके चला जाता है सीधे आगे मेन कोसी रिवर की तरफ। वो देख देख रहा है वो रखे पत्थर। चलें और आगे या चलें वापस? ये देखिए दोस्तों, ये है पिकॉक के फुट मार्क। देख रहे हैं किस तरह से पिकॉक चलता है। ये एरो नुमा जो पैरों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है मोर के। ये देखिए सामने इस जगह पर भी है, ये है मोर के पैरों के निशान। देख रहे हैं ये सामने है पिकॉक के फुटमार्क और काफी ज्यादा है। और सामने इस जगह से ये देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, पनौत का बड़ा और छोटा दोनों नाला यहाँ पे आके जो एक होकर जाते हैं और ये जाते हैं सामने इस जगह से मेन कोसी रिवर में। तो यहाँ से आगे आपको देखने को मिल जाती है यहाँ की मेन कोसी रिवर। बट इस जो रिवर का फ्लैट है दोस्तों काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा। आप कह सकते हैं कि 1 या 1.5 किलोमीटर समथिंग आपको ये पूरा फ्लैट ही दिखेगा। बहुत चौड़ाई है इसकी बहुत ज़्यादा। और अभी इस जगह पर ये पत्थर इकट्ठा हो रहे हैं और ये तैयारी हो रही है सेम इस तरह की जो जाल है, इस तरह की जाल बनाई जाएगी जिससे कि गांव में थोड़ी पानी आने से रुक जाए, क्योंकि 2021 की जो बाढ़ थी उसने गांव में काफ़ी सारे घर बहा दिए थे, तो उसकी वजह से गांव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आगे कुछ ऐसी चीज़ें ना हो सके तो इसलिए ये अभी सारे पत्थर इकट्ठा किए गए हैं और फिर इस जगह पे डाली जाएगी जाल, जो कि नदी के बहाव को डाइवर्ट करने के काम आएगी। एक इस जगह पे पत्थर इकट्ठे किए हैं और दूसरे किए हैं इस जगह पर। तो अभी ये पत्थर बहुत ही कम है और भी पत्थर इकट्ठा किए जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं ये पत्थर किस हाइट पे पहुंचे और सामने ये जो जमीन का लेवल है किस हाइट पर है। तो अभी पत्थर बहुत ज़्यादा इकट्ठे करे जाएंगे, फिर जाकर कहीं ये जो जाल है ये सक्सेस होगी, नहीं तो पानी इजीली गांव में एंटर कर जाएगा। तो सामने ये व्यू देखें आप, कितना प्यारा नज़र आ रहा है अभी। और सामने ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी के आखिरी हिस्से में है दोस्तों चुकम गांव। और आखिरी हिस्से में ही इसके चुकम गांव का लास्ट किनारा है जिसे कि घुराबाग के नाम से जाना जाता है। तो अभी व्यू काफ़ी सुंदर है, तो चलो चलते हैं वापस। आज इतनी ही ट्रैकिंग करते हैं और देखते हैं आगे, बीच में कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए एक जबड़ा है, ये किसी जानवर का, अभी कौन से जानवर का है
ये तो कह पाना थोड़ी कठिन होगा, बाकी चेक कर सकते हैं किस तरह से ये बॉन्ड है जबड़े की। तो कंटिन्यू चल रहे हैं अभी हम लोग, और काफ़ी देर से गांव के आउटसाइड ही घूम रहे हैं, मगर जितनी जगह भी अभी तक हम लोग घूम रहे हैं सभी जगह पे ना पैरों के निशान तो इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, हद से ज़्यादा। ये सारे वाइल्ड एनिमल्स के पैरों के निशान हैं, बट इस जगह पर थोड़ी टफ हो रहा है कि हमें कहीं पे टाइगर या लेपर्ड के पग मार्क देखने को मिल जाए, क्योंकि पैरों के निशान ही इतने ज़्यादा हैं कि उनके पैरों के निशान देखने को नहीं मिल पा रहे। ऐसा नहीं है कि उनके पैरों के निशान इस जगह पे नहीं होंगे, पैरों के निशान ऑब्वियसली होंगे, बट उन्हें चेक कर पाना थोड़ी टफ टास्क है। देख रहे हैं बाकी इस जगह पे थोड़ी ये पग मार्क दिखा है, बट ये कंफर्म नहीं कह पाऊंगा कि ये लेपर्ड का है या किसका, बट है ये पग मार्क ही, थोड़ी छोटा है साइज में। और इस जगह पर भी ये देखिए, इस जगह पर भी है, बट ये थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मगर ये है पैरों के निशान, एकदम खुकार जानवर लेपर्ड, जो कि हमेशा शिकार को करने के बाद लेकर जाता है पेड़ों पर। बहुत रियर केस ही होता है जब वो ज़मीन पर बैठकर अपने शिकार को खाता है, नहीं तो मोस्टली देखा गया है कि जब भी वो शिकार करता है अपने शिकार को पेड़ पर लेकर जाता है और वहीं पे उसे खाता है, क्योंकि उसे नीचे शियार से और टाइगर से डर होता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, टाइगर हमेशा लेपर्ड का शिकार कर देता है और लेपर्ड को अपनी टेरिटरीज में नहीं आने देता है, बट उसके बावजूद भी लेपर्ड अपनी स्पीड का फ़ायदा लेते हुए टाइगर टेरिटरी में आ जाता है। बस जो उसका प्लस पॉइंट है, एक तो है उसकी स्पीड और दूसरा उसका हुनर, जो कि वो पेड़ों में चढ़ जाता है। चढ़ने को तो टाइगर भी पेड़ों में चढ़ता है, बट स्ट्रेट पेड़ पर कभी टाइगर नहीं चढ़ पाता है, और लेपर्ड स्ट्रेट पेड़ में पेड़ की आखिरी चोटाई तक पहुंच सकता है। और सामने आपको दिखाऊं मैं इस जगह पर, ये देखिए कुछ जा रहे हैं पिकॉक, जो कि मेल है। अब इनके जो हेयर हैं, पंख हैं दोस्तों, वो उतर चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा था टाइगर और लेपर्ड के बारे में कि टाइगर हमेशा पेड़ में नहीं चढ़ पाता है, वो ऐसे पेड़ों में चढ़ता है जिसकी ब्रांच मतलब टहनियाँ काफ़ी फैली हों। और इस जगह पे आगे फिर से मोर आ रहे हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो करते हैं कंटिन्यू। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टाइगर ऐसे पेड़ों में चढ़ जाता है जिसकी ना टहनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें होती हैं, मतलब कम हाइट से ही, यही कोई 5 से 6 या 10 फीट की हाइट तक की जिस पेड़ की टहनियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और होता है थोड़ी डाउन सा झुका हुआ, तो उस पर टाइगर ईजिली चढ़ जाता है। और ऐसे पेड़ों पर नहीं चढ़ पाता है जो कि स्ट्रेट होते हैं और 10 फीट से ज़्यादा हाइट पर उनकी टहनियाँ होती है, तो ऐसे पेड़ पे चढ़ पाना टाइगर के लिए कठिन हो जाता है, जिस पे कि लेपर्ड अपने शिकार को इजीली लेकर उस पेड़ की टॉप हाइट तक जा सकता है। तो यही चीज़ें हैं जो जंगल में टाइगर से लेपर्ड को बचाती हैं, उसकी खूबी और उसकी स्पीड, पेड़ों में चढ़ने की जो खूबी है और उसकी स्पीड ही उसे टाइगर से बचा कर रखती है।
और ऐसा ही नहीं, कई केसों में तो ऐसा भी देखा गया है कि लेपर्ड ना टाइगर के जो कब्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन पर भी हमला कर देता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि वो टाइगर है और लेपर्ड को चेज कर सकते हैं। और बच्चे हैं तो इतने कुशल भी नहीं होते वो, तो इसलिए लेपर्ड उनका शिकार कर लेता है। बट जब टाइगर उस मोमेंट को देखता है ना, तो फिर वो लेपर्ड का जीना हराम कर देता है। मतलब कह सकते हैं कि आप अगर किसी पेड़ में है ना, तो फिर वो पेड़ में ही रह जाता है जब तक टाइगर उस जगह से नहीं हिलता। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं टाइगर और लेपर्ड के, जिन्हें आज मैं आपको साझा कर पाया हूँ। आई थिंक कि आपको ये पॉइंट ज़रूर इम्पोर्टेंट लगे होंगे, या आपको ये चीज़ें पहले से पता होंगी, तो वेल एंड गुड। नहीं तो जो मेरे पास ज्ञान था, नॉलेज थी, वो आपको आज मैं थोड़ी ब्रीफ कर चुका हूँ। अभी फाइनली पहुँच चुके हैं हम वापस अपने गांव के इस क्रिकेट ग्राउंड के पास ही, क्योंकि हमने इस ब्लॉक की शुरुआत यहीं से की थी और अभी इस ब्लॉक की जो समाप्ति है दोस्तों, यहीं से करेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बार आप फाइनली पूछ लेता हूँ, जो मेरे साथ गए थे बच्चे, इनसे भी कि इन्हें आज की ये ट्रैकिंग कैसी लगी और क्या चीज़ें आज इन्हें देखने को मिली, या वो कौन सी बातें थी जो इन्हें मेरी अच्छी लगी। तो सामने हैं ये बच्चे, कैसा लगा लड़कों आज का टूर, बढ़िया लगा। क्या चीज़ें सीखने को मिली और क्या देखने को मिली? देखने को तो अभी तक मोर के पैर और इधर का व्यू दिखा, हाँ, और सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे हाँ जैसे कि टाइगर और लेपर्ड के बारे में। और जब लेपर्ड किसी टाइगर के बच्चों को उठा लेता है, तो वो हाँ बच्चों को उठा लेता है, तो क्योंकि टाइगर फिर ना उस मोमेंट का इंतजार करता करती है कि वो कब नीचे उतरेगा। मतलब वही दुश्मनी वाली चीजें उनके बीच में हो जाती हैं फिर। तो दोस्तों यही थी आज की चीज़ें। अभी बच्चे थोड़ी बच्चे हैं, तो चीज़ों को अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पाए। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।